हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह के रहम करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं सुबह सुबह उठी तो अम्मी ने बताया कि हमारे यहाँ मामा रहते हैं प्रतापपुर वाले, तो उनके अब्बू का यानी कि हमारे नाना का इंतकाल हो गया। तो सच में सुबह सुबह ऐसी खबर मिलना बहुत शॉकिंग हो जाता है और बहुत बुरा सा लगता है। पूरा दिन अजीब सा बुरा सा लगने लगता है। और अम्मी पापा भी जा रहे हैं, तो बस आज का ब्लॉग कुछ ऐसा ही होगा। तो फिर चलते हैं, देखते हैं क्या रहता है आज का रूटीन। अब अम्मी प्रतापपुर जाने के लिए तैयार हो रही हैं और मुजम्मिल अभी तक नहाकर नहीं आया है। शायद दफीना मुझे लगता है असर में है, और मुझे लगता है अम्मी अभी शायद लेट हो गई हैं क्योंकि और लोग आ चुके हैं, क्योंकि फजर में इंतकाल हुआ था इसलिए। और मुजम्मिल भी अब आ चुका है, ये लोग अब निकल रहे हैं और सच में मैं अकेली रह जाऊंगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है, मतलब अब अकेले रहना ही है कोई नहीं, बट ये लोग अब जा रहे हैं और मुझे लगता है ये लोग शाम तक ही आ पाएंगे। और यहाँ पर माशाल्लाह बाबू जो हैं अब बिना बौकर के चलने लगे हैं, मतलब थोड़ा बहुत अपने आप से चल लेते हैं, बाहर भी घूमाते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि बाबू छत पर ही फिसल गए थे जिससे उनका पैर टूट गया था, पर ऑपरेशन के बाद सब कुछ ठीक है और ये लोग अब जा रहे हैं और इंशाल्लाह शाम तक ये लोग वापस हो जाएंगे। ओके, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं चलती हूँ। मुजम्मिल और अम्मी तो चले गए हैं और मैं घर में अकेली हूँ। सच में अकेला रहना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अब मैं क्या करूँ? और सुबह सुबह ही तो सारा काम हो गया था, यानी कि अम्मी बहुत सारा काम करके चली गई थी। बस हमें और मुजम्मिल को नाश्ता ही करना था और नाश्ते के बाद सारा काम हो गया है। बाबू भी सो रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। मैं और मेरा भाई है जो साथ में रहते हैं, और बाजी की शादी हो गई है तो पहले हम तीन थे तो अच्छा लगता था। पिंकी आजी भी नहीं है, मुजम्मिल भी घर पे नहीं होता तो और भी ज्यादा बुरा लगता है। अब मैं क्या करूं? अम्मी भी नहीं है। अब मैं थोड़ा बहुत खाती हूँ पीती हूँ। आज पूरा दिन मैं बस आपसे ही बात करूंगी, आपके साथ ही रहूंगी। तो चलते हैं, कुछ खाते पीते खा पी लेते हैं। खा लीजिए गाइस। सच में अकेले खाते हुए भी अच्छा नहीं लगता है। मेरा भाई तो सुबह ही खा गया था, उसने सुबह ही खा लिया था। अब मैं अकेले खाऊंगी। सच में बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा है मुझे। आज मुझे समझ नहीं आ रहा आज मैं क्या करूंगी। पूरा दिन तो खुद को बिजी रखने के लिए मैं थोड़ी सी पेट पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ करूंगी, सफाई ही करूंगी। आज मैं अपने शायद आपको कॉपी किताबों से मिलवाऊं, क्योंकि जब से मैंने एडिटिंग करनी शुरू की है ना, तब से मतलब जब से मैंने ब्लॉग बनाने शुरू किए हैं तब से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ ज़्यादातर। और सच में अभी नौकरी नहीं निकल रही है, एस टेट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो और भी ज़्यादा बेकार लग रहा है। पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है। अगर कुछ भी न्यूज़ रहती है ना तो पढ़ने का मूड होता है, पर पढ़ना तो है। सच में अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पास नहीं हो सकती, इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। मन कर रहा है खाने का तो प्लीज मंगा लीजिए और खा लीजिए। मुझे अक्सर डर लगा रहता है और जिसका मुझे डर लगा रहता है वो काम जरूर होते हैं। मैं हमेशा अपने कपड़ों को गंदा कर देती हूँ, मैं ढंग से नहीं खा पाती ये आम। पर सच में बहुत ही ज्यादा मीठा, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पर एक प्रॉब्लम और है, लोगों का ऐसा कहना होता है कि जितना वो ये आम वगैरह खाते हैं तो उनके चेहरे पे दाने वाने निकल आते हैं। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकती, पर शायद हाँ ऐसा होता होगा तो लोग कह देते हैं। मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि मैं कुछ खा लूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं लाइफ बॉय के अलावा अगर किसी भी फेस वॉश से मुंह धोती हूँ तब मेरे फेस पे जरूर दाने निकल आते हैं। अल्लाह के रहम करम से अभी सब कुछ सही चल रहा है, तो खा लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब कुछ और करते हैं। मैं इतना
बोर हो रही हूँ कि मैं क्या करूँ, तो आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ इस वक्त? मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। देखो यहाँ पर मैं खुद का ही ब्लॉग देख रही हूँ। अब अकेले बैठा इंसान क्या करे, खुद का ही ब्लॉग देख रहा है, इसी में खुश हो जाते हैं। थोड़ा तो टाइम पास होगा ही ना, उसके बाद तो वही काम करना है। किचन का काम तो सच में यार पता नहीं लोग कैसे करते हैं, पर करना पड़ेगा, वो तो है ही। लेकिन मैं अभी अपना खुद का ब्लॉग देख रही हूँ, उसके बाद चलते हैं अपने लोग छत पर। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, पिछले ब्लॉग में मैंने बोला था कि मैंने एक मेमोरी कार्ड मंगाया है और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। वो प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुई पर और बढ़ गई मुझे ऐसा लगता है। मैंने किस लिए मंगाया था, ताकि मुझे एडिट करने में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और फिर मैंने उसको फोन में सेट किया, तो वो जो मेमोरी कार्ड था ना, वो मेरे फोन में शो ही नहीं कर रहा है। ना ही मेरे फोन में शो कर रहा है, ना ही मुजम्मिल के फोन में शो कर रहा है। मतलब खराब ही था वो। फिर मुजम्मिल और मुजम्मिल का दोस्त गया वहां पर जिस शॉप से ये लिया था, और जबकि उसकी गारंटी थी, गारंटी नहीं कह सकते, वारंटी थी 10 साल तक की। जब उनसे बोला तो उन्होंने बोला ऐसा तो कभी होता नहीं है और इसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमने तो सील दिया था, पैक दिया था। अब इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है ना, कि मतलब हमने जब ट्राई किया तो वो चल नहीं रहा है, तो मतलब कुछ नहीं हुआ उसका, वो बिल्कुल खराब ही है। उन्होंने बोला कि हम इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब बताइए कहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हुई है और बिगड़ गई, पैसे भी गए, काम भी बना नहीं। खैर अब कुछ और कि देखा जाएगा उसका। वो कह रहे थे कि कंप्लेन करो, अब इतना लंबा प्रोसेस कौन करेगा कि कंपनी को हम रिक्वेस्ट भेजें, फिर वो हमारी कंप्लेन ले, उसके बाद वो आएगा, इंक्वायरी की जाएगी, इतना लंबा नहीं कर पाएंगे। पर मुझे मिल कह रहा था कर देंगे, क्या दिक्कत है, पर देखो क्या होता है। तो मतलब उसका कुछ भी नहीं हुआ, मूड ऑफ हो गया सच में। तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी किताबों से। सच में किसी ने सही कहा है कि किताबें ही बेस्ट फ्रेंड होती हैं, और सच में अकेले हो तो किताबें ही पढ़ो, टाइम बहुत अच्छा पास भी होता है, नॉलेज भी मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। सच में दशा बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, वहां देखिए मेरी रैक लगी हुई है, इसलिए मैंने कब से सेट नहीं की है किताबें, जो मुझे किताबें अभी सेट करनी है। और कुछ मेरी टेबल पर रखी हुई है, हाँ तो बस यही है। आज सफाई करते हैं किताबों की, और इंशाल्लाह पढ़ना भी शुरू करेंगे, पढ़ना बहुत जरूरी है सच में। मुझे तो सोच सोच के डर लगता है कि अगर सच में एस्टेट आ गया तो क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता कि मेरा क्या होने वाला है। तो चलो चलते हैं, मिलिएगा मेरी किताबों से। अभी कुछ इस कदर मेरी किताबें फैली हुई हैं, ढंग से नहीं रखी हुई हैं, फिर भी मैं इसे काफ़ी हद तक संभालती रहती हूँ, पर मेरा भाई बिल्कुल भी नहीं संभालता है। कुछ ये किताबें रखी हुई हैं, अब इनकी सेटिंग वेटिंग की जाएगी तब जाके ये सही लगेगी। गर्मी कुछ ज़्यादा हो रही है, थोड़ा पानी पीना तो बनता है। सच में मैं ज़्यादा पानी नहीं पी पाती थी, लेकिन इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं, मुझ जैसी लड़की भी ज़्यादा पानी पी सकती है। और सच में कितना पसीना आ रहा है आप देख सकते हैं। गर्मी बहुत हो रही है, पानी वानी पीते रहें, अपना ख्याल रखें। सफाई कर चुकी हूँ, देख सकते हैं आप मैंने कितनी मेहनत की है, और पसीना दिख रहा है, देखना तो बनता है ना, इतनी मेहनत जो की है मैंने। तो मेरा रूम कंप्लीट तैयार हो गया। सच में यार कितनी मेहनत से सफाई करनी पड़ती है, तो आज मैंने सफाई कर दी है। मुझे आज एहसास है अम्मी के, मुझे आज एहसास है कि अम्मी कितनी सफाई करती हैं। तो मेरा रूम कंप्लीट हो गया है बिल्कुल। अब मैं पर्दे वर्दे डाल देती हूँ और फिर चलते हैं नीचे। ठीक है, देख लीजिए मेरा रूम।
हो गया ना एकदम क्लियर, क्लीन एंड क्लियर। चलो भाई चलते हैं, इस रूम की मैं अभी सफाई नहीं करना चाहती, बस एक दिन में इतना ही कर पाएंगे। चलो चलते हैं नीचे। जब आप घर पे अकेले हो तो सारे काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं। अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि बाबू को चाय पीनी है और उसके बाद खाएंगे हम खाना, तो बस यही है। चलो बनाते हैं चाय। यहाँ पर अब मैं बाबू के लिए बना रही हूँ चाय, और कसम से इतने सारा सामान फैला हुआ है ना, मैंने सोचा फिर करनी तो मुझे ये, फिर मैंने बोतल वगैरह जो थी भरी हुई थी वो तो मैंने रख दी फ्रीज में, और फिर यहाँ पर सफाई वफाई भी करनी थी तो बस वही सफाई भी करते जा रहे थे। ऐसे मैं कहती थी अम्मी से कि भाई खाना बनाना है तो खाना बनाओ ना, सफाई बाद में होती रहेगी, लेकिन पता चल रहा है कि सफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं चाय भी बनाई जा रही थी और सफाई भी करती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस फटाफट हो जाए, और मुझे लग रहा है ये बर्तन भी ना मुझे ही साफ़ करने पड़ेंगे, सच में साफ़ करने पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे ही मेरी सफाई हो ही चुकी थी समझो कंप्लीट, और ये रहे मेरे बाबू के, क्योंकि उनको चाहिए ही चाहिए होते हैं, हमेशा चाहिए होते हैं, ज़रूरी नहीं कि मॉर्निंग में आप जिस टाइम चाय दें उस टाइम आपको देने हैं बाबू के लिए पापे, तो बस मैं वही कर रही थी। और ये थोड़े बहुत मैंने बर्तन धो भी लिए थे, उसको मैं लगा रही थी, और अब देने जा रही हूँ मैं बाबू जी को चाय। और बाबू वैसे अभी सो रहे हैं, मुझसे कह गए थे, और चलें बाबू को देते हैं चाय। टाइम हो रहा है 2:05, और मुझे लगता है अब खाना खा लेना चाहिए। माना कि भूख नहीं लग रही है लेकिन फिर भी खा लेते हैं, जब अम्मी बना कर गई हैं तो अकेले ही खाते हैं। तोरी तो आज सच में देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। वैसे मैंने ये शाम खाई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तोरी वैसे किस किस को पसंद है तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। असल में मैं सच बताऊँ तो मेरी सब्ज़ियाँ ज़्यादा फेवरेट नहीं हैं, मैं ज़्यादा सब्ज़ियाँ पसंद नहीं करती सच में। चलो चलते हैं, अब खाते हैं खाना और करते हैं आपके साथ बातें शातें। और मेरे बाबू की तो ऐसी नींद है कि अभी बाबू ने अभी बोला कि चाय बना दो, मैंने बोला ठीक है, मैं चाय, आपने तो देखा ही होगा मैंने चाय बनाई, और चाय बना के जब मैं लेके गई जब तक बाबू सो गए थे, फिर उन्हें उठाया कि चाय पी लो, और अब फिर सो गए। यानी कि इतनी नींद है ना बाबू के अंदर, मतलब इतनी अच्छे से सो जाते हैं इस एज में भी आके। चलिए खाना खा लीजिए, तोरी और चावल। वैसे किस किस को पसंद है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सच में अगर आप YouTube फैमिली मेरे साथ नहीं होती तो कसम से मैं बिल्कुल बोर हो गई होती, और शायद अभी मैं सो रही होती। मैंने सोचा क्यों ना अकेले हैं तो आपसे बातें की जाएं, दोनों काम हो जाएंगे ना, आपसे बातें भी हो जाएंगे, मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और ब्लॉग भी बन जाएगा। कितना टैलेंट होता है ना उन लोगों के अंदर जो अकेले रहते हैं और फिर भी ब्लॉगिंग करते हैं, यार कंटेंट कहाँ से मिलता होगा। पर थैंक यू सो मच। मैं बताऊँ मेरे यहाँ और यहाँ दोनों साइड दर्द हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, तो मैंने च्युइंगम खा ली थी, तो ये दोनों साइड इतना दर्द कर रही है ना मेरे, ऐसे भी दर्द हो रहा है सच में। यार मैं इतना कम खाती हूँ, मतलब मैं इतना नहीं खाती, बाहर का भी इतना नहीं खाती मैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इतनी मोटी हुई जा रही हूँ। खाना खा लिया है मैंने, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं थोड़ा सा करूँगी आराम। मतलब पूरे दिन तो आराम ही कर रही थी मैं, मतलब मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ, तो अब
मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और मुझे लगता है ये जो बर्तन रखे हैं ये भी मुझे ही साफ करने पड़ेंगे, तो मैं फटाफट ये बर्तन साफ कर देती हूँ और अब मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि अब शाम तो वैसे भी हो ही चुकी है और अम्मी मुझे मिल आने वाले भी होंगे। और अगर आपको ये मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, जैसे कि इस ब्लॉग में हमने सिर्फ बातें ही की हैं, अगर आपको बातें अच्छी लगी हो तो फिर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज का ब्लॉग बस यही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।